एचडीएफसी बैंक और फेडरल बैंक में एचडीएफसी बैंक का रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 20 के पीई पे है, जबकि फेडरल बैंक का रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा है उससे और वो 8 के पीई पे है, तो फेडरल बैंक को क्यों नहीं बढ़ा रहे? एक तो साइज की बात है, फेडरल बैंक छोटी साइज की बैंक है, छोटी साइज में पीई कम मिलता है, अगर आपका साइज बढ़ा है तो आपको प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा मिलेगा। दूसरी, फेडरल बैंक की हिस्ट्री नहीं है, एचडीएफसी बैंक 30 ईयर्स की हिस्ट्री ऑन द टेबल रखता है, 30 हाँ ऑलमोस्ट 30 हो जाएगा 2-3 साल में, तो 30 ईयर्स की हिस्ट्री जब आप टेबल पे रखते हो तो इन्वेस्टर्स हैव अ बिगर चांस ऑफ टेकिंग नोटिस अबाउट यू। यही बात हो गई कि एक एग्जाम में, कोई फाइनल एग्जाम में किसी ने 100 में 100 ले आया और कोई 3 साल से पढ़े आ रहा है, वो 98 ला रहा है, कभी 99 ला रहा है, कभी 96 ला रहा है, कभी 100 ला रहा है, लेकिन इस बार शायद जो एक बार 100 में 100 लाया है और जो दूसरा स्टूडेंट जो 98 लाया है लेकिन वो 3 साल से टॉप कर रहा है क्लास, आप किसके ऊपर बैट करोगे? उसी पे बैट करोगे ना जो 3 साल से अच्छे नंबर ला रहा है।